वेकुले के कामटी खदान में काम कर रही ईगल कंपनी के जीएम समेत अन्य पर महिला के साथ विनय भंग का मामला दर्ज हुआ है। घटना एक वर्ष पहले की है। महिला बचत गट के लिए काम मांगने गई इंदिरा कुर्मी के साथ गेट पर ही कंपनी के वर्कर्स, जो कि पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वे सभी मिलकर महिला के साथ सोची समझी साजिश कर गाली गलौज किया गया था और इंद्रावती कुर्मी पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज करवा दिया गया था। उसी मामले में महिला ने भी कनान पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने इनकी शिकायत दर्ज नहीं की थी। महिला ने हिम्मत नहीं हारी, एक वर्ष तक अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए न्यायालय में लड़ती रही। कहते हैं कि सांझ को आज कैसा, आखिरकार न्यायालय ने आदेश दिया कि महिला की शिकायत दर्ज की जाए। इसके बाद पुलिस स्टेशन कनान में ईगल कंपनी के जीएम अमरीश मिश्रा, सुमित और बल्लन गोस्वामी, सुनील कुशवाहा, परशुराम गौतम, राहुल शुक्ला, शुभम शुक्ला पर धारा 354, 294, 506 और 140 के तहत मामला दर्ज हुआ। इसमें बड़ा सवाल यह है कि किसी महिला को अपने हक के लिए, अपनी इज्जत, अपनी आबरू के लिए आज भी मानसिक व आर्थिक रूप से कब तक गुजरना पड़ेगा? क्या कनान जैसे पुलिस स्टेशन में ऐसी ही बेबस और लाचार महिला को चक्कर लगाना पड़ेगा और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी? 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन कनान पुलिस आरोपी को ढूंढने में नाकाम है या फिर ढूंढना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि कंपनी का जीएम मिश्रा बिहार से सासाराम में छुपा है। राहुल शुक्ला और शुभम शुक्ला WCL में सरकारी नौकरी पर हैं। शुक्ला बंधु और अमरीश मिश्रा की साठ घाट से होने वाले भ्रष्टाचार छुपे नहीं है। चाहे वो कैंटीन का हो या सिविल काम का, आरोपियों के मोबाइल फोन शुरू है, यानी अधिकतर आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कनान पुलिस मौन है। नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार के आने से न्याय की उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसे गंभीर मामले में कनान पुलिस सवालों के घेरे में है। मेरा नाम इंदिरा कुर्मी है। मेरे साथ एक साल पहले जाती हुई थी, मैं ईगल्स कंपनी में काम मांगने गई थी महिला बचत गट के तरफ से। मेरा बचत गट का नाम है विजय लक्ष्मी। वहाँ एक पत्र देने गई थी AGM को, तो वहाँ पे जो उनके जो व्यक्ति खड़े थे, गुंडे थे, वो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, उल्टा सीधा गालियाँ देने लगे, अंदर नहीं जाने दिए और बहुत ही बदतमीजी किए, गाली उली देने लगे। परशुराम गौतम, बल्लन गोस्वामी और सुनील गोस्वामी, अमलेश मिश्रा। फिर वो सब होने के बाद हम रिपोर्ट लिखाने थाने गए। वहाँ पे हम दोनों एक ही साथ पहुँचे, लेकिन मेरी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं ली गई, उनकी ली गई। और मेरा रिपोर्ट नहीं लिए तो मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई। उन लोग हो गए 2-3 दिन से फरार है, पुलिस वाले उनको ढूंढ नहीं रहे हैं और उनके सभी काम हो रहे हैं, कैंप में पूरे काम हो रहे हैं, उनका मेस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आने पुलिस वाले ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? वो कहाँ फरार है? बस ढूंढ रहे हैं, फरार है, काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पकड़ नहीं रहे उनको। मेरा यही मांग है कि उनको 5-6 ही लोग को पकड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC News।